कौन सुनेगा मेरी चाक दामनी का अफसाना, यहाँ सब लोग अपने अपने पैरहन की बात करते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय, मैंने इधर का इशारा किया, प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय उपसभापति महोदय, मैं बजट पर आने से पूर्व प्री बजट कंसल्टेशन पर 30 सेकंड बोलूंगा। प्री बजट कंसल्टेशन होता है माननीय उपसभापति महोदय, मैंने उद्योगपतियों के साथ मीटिंग देखी, कॉरपोरेट हाउसेस के साथ मीटिंग देखी, और मैं आज की ही बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों से प्री बजट कंसल्टेशन में सीवर में उतर के मरने वालों के प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं होती, ठेला मजदूरों से बात नहीं होती, बेरोजगार युवकों से बात नहीं होती, छोटे मझोले किसानों से बात नहीं होती, और अब तो ट्रेड यूनियन से भी बात होने की रवायत बंद हो गई है। क्योंकि हाल के दिन में जॉर्ज साहब पर एक किताब पढ़ रहा था, राहुल राम गुंडम जी की, उसमें पता चला कि आज जिन चीजों के लिए लोग नाराज हो जाते हैं सदन में, जॉर्ज साहब तो उन चीजों के बगैर सदन में अपनी बात ही नहीं रखते थे, चाहे बिजनेस हाउसेस का नाम लेना हो या इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये मैडम का 7वां बजट है, उनको बहुत बधाइयां मिली। सर 7 साल पुराना तो नहीं हूं, 6वीं बार मैं माननीय वित्त मंत्री जी के समक्ष आर्टिकल 39 क्लॉज सी, और मैं चाहता हूं सब लोग पढ़ें कि हमारा बजट हमारे प्रीएम्बल में है डिग्निटी जस्टिस इक्वालिटी, हमारा बजट उसको कितना रिफ्लेक्ट करता है। आर्टिकल 39 सी जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात करता है माननीय उपसभापति महोदय, कि राज्य की कोशिश होनी चाहिए कि इनकम इनइक्वालिटी इस रूप में ना बढ़े। मैं नहीं बताना चाहता कि 90% संसाधन किसके कब्जे में है। माननीय सभापति महोदय, आय की इतनी बड़ी असमानता, परेशानी इस बात से होती है, ये मत समझिएगा कि मैं धन संचय का विरोधी हूं या अमीरी का विरोधी हूं, लेकिन अश्लील अमीरी और जिसका भोंडा प्रदर्शन हमने हाल के दिनों में देखा है सर, दिक्कत उससे है, इसलिए आय की असमानता पर बात होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी हमारी पार्टी से बोल चुके हैं, मैं मनरेगा पर एक दो बात कहना चाहता हूं। अपने स्थापना से लेकर के आज तक पहली बार मनरेगा का उस रूप में जिक्र नहीं हुआ जैसा होता है, रहा है। 86,000 करोड़ दिए गए सर, सर सर अभी मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, 86,000 करोड़ जो कि इंतरिम बजट के बराबर हैं। आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1,05,000 करोड़ था, 20,000 का गैप है, और यह मैं इसके आधार पर कह रहा हूं, मैं आंकड़े गर नहीं रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इससे क्या होगा, मजदूरी के भुगतान में देरी होगी, सप्रेशन ऑफ डिमांड होगा, और क्वालिटी एसेट्स का निर्माण नहीं होगा। माननीय उपसभापति महोदय, भारत की शिक्षा स्वास्थ्य और बाल विकास की योजनाओं में 50 लाख से ज्यादा स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें 90% से ज्यादा महिलाएं हैं, 5 वर्षों में उनके मानदेय बढ़ोतरी की कोई कोशिश नहीं हुई है। महोदय, कोरोना का पूरा भार किसकी लाश है, किस कौन बीमार है, इन्होंने उठाया, आपने इसकी मानदेय, चाहे आशा, ममता, आंगनवाड़ी, रसोईया आदि। कृषि को लेकर के एक बड़ी आबादी है, 65-70% अभी भी निर्भर है, खेतिहर मजदूर, छोटे मझोले किसानों, उनकी दिक्कतें अलग हैं। माननीय उपसभापति महोदय, कृषि के आउटपुट का आंकड़ा भी सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल लेंगे नहीं। लीगल गारंटी टू MSP, व्हाट स्टॉप्स यू, प्लीज, मैं चाहता हूं इन चीजों पर खुल के बात हो। सर 24 के मैंडेट की एक खास बात है, मैं पहले कह चुका हूं, दोनों पक्षों के लिए एक संदेश, हमारे लिए संदेश है व्हाट यू हैव डन इज नॉट इनफ, और उनके लिए संदेश है एक्नॉलेज करो दिक्कत कहां है। एक्नॉलेजमेंट है इस बजट में सर, मैं इनकार नहीं करता हूं, एक्नॉलेजमेंट है, प्राथमिकताओं की बात होती है,
कहा गया चार जातियां हैं सिर्फ, कृषक, युवा, महिला, अन्नदाता, आम, चार। सर ये सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का बेजा इस्तेमाल है। इस देश में जाति हकीकत है सर, 100 दफा बोल चुका हूं और मैं कह रहा हूं कि जब तक आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे आपकी टारगेट स्पेसिफिक नहीं होगी, आपका बजट मीनिंगलेस होगा, आपकी नीतियां लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। सर पे हाथ रखने से, आंख पर हाथ रख लेने से हकीकत नहीं बदलती है सर। और आई मस्ट टेल यू, आइडिया विच हैज ए राइट यू कैन नॉट किल दैट आइडिया, कास्ट सेंसस इज दैट आइडिया। सर बेरोजगारी को लेकर के तकरीबन 27-28 करोड़ का बैकलॉग है सर, और बेरोजगारी की कहानी अद्भुत है। एक बड़ी आबादी है जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है, कुछ अंडर एम्प्लॉयमेंट में है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कुछ उस बस एक डेढ़ मिनट और लूंगा, कुछ उस सीमा को पार कर चुके हैं। आप 80 लाख की बात इस बजट में करते हैं, आपको प्रतिवर्ष 5-6 करोड़ रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करनी होगी, तभी जाकर के ये जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है जो आप लोग कहते हैं उसको आप एड्रेस कर पाएंगे। एमएसएमई सेक्टर सर, खास करके उसमें जो माइक्रो और स्मॉल है, आपने उसकी रीढ़ तोड़ दी है, चाहे डिमोनिटाइजेशन हो, जीएसटी हो, और रीढ़ तोड़ने के बाद सर सर्जरी चाहिए, बैंडेड नहीं लगाना पड़ता है, आप बैंडेड लगा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एक ही बात कहूंगा सर, खत्म ही कर रहा हूं, 5,000 रुपया आप दे रहे हैं। एक तो कहते हैं विल नज द कॉरपोरेट हाउस, मैंने नज का हिंदी अनुवाद देखा, कोहनी से धक्का मारना होता है। अब आप कॉरपोरेट हाउस को कोहनी से धक्का मार के कह रहे हो कि रख लो 5,000, 30 दिन से सर बस एक से एक मिनट हो, 30 दिन से डिवाइड करिए 166 रुपए 66 पैसे, ये तो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। और आखिरी सर, जय हिंद बोलने से पहले बिहार को लेकर बड़ी बात हुई सर, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। 2015 का प्रधानमंत्री जी का आरा वीर कुंवर सिंह की धरती का भाषण सुनिए, फिर टॉर्च लेकर के या लालटेन लेकर के स्किल यूनिवर्सिटी ढूंढिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर में ढूंढिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हमने लाखों के बोल सहे सितमगढ़ तेरे लिए, तो मैं सितमगढ़ से आग्रह करूंगा इन मुद्दों के मद्देनजर बजट को रीलुक दीजिए, बजट को आम आदमी का बजट बनाइए। जय हिंद सर, शुक्रिया बहुत बहुत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।